जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार सीरीज के पहले T20 मुकाबले में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के ऊपर भड़क उठे दिग्गज, कहा कुछ ऐसा कि जानने के बाद पूरा देश रह गया हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला खेला गया तो उसमें भारतीय टीम को हार मिली, तो आखिरकार बड़े बड़े दिग्गजों ने क्या क्या बड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उन्हीं के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया हारी, लेकिन कैमरामैन ने बटोरी सुर्खियां। 30 सेकंड तक एक ही फ्रेम में रखा कैमरा कर दिया इस लड़की को रातों रात फेमस। तो दोस्तों, इस लड़की के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पहले T20 मुकाबले में भारत को हराने के बाद ओयन मॉर्गन ने दिया ऐसा बड़ा बयान कि जानकर पूरा देश कर रहा है अब उनको सलाम। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया, जहां पर इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड भी हासिल कर ली। तो वहीं हम आपको बताएं, इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद भारत को 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रनों पर सीमित किया और फिर 15.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं इंग्लैंड के लिए जेसन रॉय ने सबसे अधिक 49 रन की पारी खेली और उनके अलावा जोस बटलर 28 रन, डेविड मलान ने नाबाद 24 रन और जॉनी बेस्टो ने 26 रन का नाबाद योगदान दिया। तो वहीं भारत के लिए युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर ने 1-1 सफलता हासिल करी। हालांकि दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा मैदान पर देखने के लिए नहीं मिला, जहां पर श्रेयस अय्यर ने तो कोशिश की भारतीय टीम के स्कोर को ऊंचा खड़ा करने की, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाया। और इसी के साथ पहले T20 मुकाबले में 8 विकेट से भारतीय टीम को हार मिली। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के काफी बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं तो दी हैं और साथ में विदेशी खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम का मजाक बनाया है। तो आइए चलिए, अब हम आपको बताते हैं एक एक करके कि आखिरकार किस किस खिलाड़ी ने क्या क्या बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। यहां पर दोस्तों, जो पहला बयान निकल कर आता है वो है माइकल वॉक का, जहां पर माइकल वॉक कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम भारतीय टीम से कई बेहतर T20 टीम है। मैं मानता हूं कि मुंबई इंडियंस की टीम को ही भारतीय टीम घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर माइकल वॉक ने काफी बड़ा बयान दिया। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो दोस्तों अगला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है आकाश चोपड़ा का, जहां पर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि एक T20 खत्म और 4 मैच रह गए। इंग्लैंड ने आसानी से मैच को जीत लिया, लेकिन सीरीज कोई भी जीत सकता है। हिटमैन को पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए रेस्ट क्यों दिया है? अब उनको जल्दी ही भारतीय टीम में शामिल करो और अपनी जीत को सुनिश्चित करो। तो दोस्तों, यहां पर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम को काफी महत्वपूर्ण राय दी रोहित शर्मा को भारतीय टीम में एक बार फिर से शामिल करने की। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है वीवीएस लक्ष्मण का, जहां पर वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं कि इंग्लैंड की ओर से शानदार प्रदर्शन, गेंदबाजी अपनी योजनाओं के साथ काफी अच्छी थी और बल्लेबाजों ने अपने निर्दयी दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण श्रृंखला होगी। अगर आप नंबर 1 T20 टीम को हराना चाहते हैं तो आपने सबसे अच्छी प्लेइंग 11 टीम के साथ खेलने की जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर वीवीएस लक्ष्मण ने भी भारतीय टीम को इसी बात के लिए इशारा किया कि उन्हें अपनी टीम में जरूर बदलाव करने चाहिए। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो दोस्तों अगला बयान निकल कर आता है वो है शोएब अख्तर का, जहां पर शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं कहना चाहूंगा भारतीय टीम में विराट कोहली के बिना बेहतर T20 टीम हो सकती है। सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए और अय्यर को 3rd नंबर पर प्रमोट करना चाहिए। रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी करनी चाहिए यह कहने की जरूरत नहीं है, और विराट कोहली को थोड़ा आराम दे देना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर इन्होंने भी काफी बड़ा बयान दिया। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो दोस्तों अगला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है वीरेंद्र सहवाग का, जहां पर वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी की, भारत के पास सटीक गेंदबाजी और रफ्तार का कोई जवाब नहीं था। ऐसी गेंदबाजी को काफी समय बाद देखकर काफी अच्छा लगा। एक बार फिर साबित हुआ कि रोहित शर्मा के बिना भारतीय टीम काफी साधारण नजर आती है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर वीरेंद्र सहवाग ने भी काफी बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, इन सभी बयानों के अलावा महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर सभी ने भारतीय टीम में रोहित शर्मा की वापसी के ऊपर बयान दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
करके बताइए कि इन सभी बयानों को जानने के बाद आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां पर पहला T20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान ऑन मॉर्गन ने इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर गेंदबाजी करने का फैसला इंग्लैंड की टीम का बिल्कुल सही साबित हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने सुरेश अय्यर के 67 रन बताए कि पहला T20 मुकाबला हर नजरिए से काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी T20 मुकाबले में ये देखा जाता कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी है और गेंदबाजी कैसी है, जहां पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो फ्लॉप हुई और साथ में गेंदबाजी में भी कोई ज्यादा खास कमाल कोई कर नहीं पाया, जिसके चलते भारतीय टीम की तरफ से मात्र सुरेश अय्यर ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 67 रन की पारी खेली और इसी के साथ ये मैच खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों इस मैच में सबसे बड़ा टॉपिक ये था कि आखिरकार रोहित शर्मा को भारतीय प्लेइंग 11 टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया, जिसके चलते अब एक बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। दरअसल दोस्तों यहां मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा खुद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए सामने आते हैं, जहां पर वो काफी बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि हमारी टीम का प्रदर्शन पहले T20 मुकाबले में अच्छा नहीं रहा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी कमी जरूर भारतीय टीम को खल, लेकिन हम खिलाड़ी इस बार T20 मुकाबले के लिए मुझे आराम दिया जाए और इसीलिए मैं पहले T20 मुकाबले में खेल नहीं सका। हालांकि विराट भाई ने T20 मुकाबले शुरू होने से पहले ही कहा था कि मेरे साथ ओपनिंग के लिए KL राहुल बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अंतिम समय पर यह फैसला किया, जिसके चलते अब 2 T20 मुकाबलों के बाद ही मैं भारतीय टीम में एक बार फिर से शामिल हो सकूंगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने काफी हैरान करने वाली बात तो बोली, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को जल्द से जल्द T20 सीरीज में वापसी करनी चाहिए या फिर नहीं? टीम मैनेजमेंट की बात को परे रखकर आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, पहला सबसे बड़ा झटका KL राहुल के रूप में लगा, जो कि आज के इस मुकाबले में शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए मात्र 4 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों जब KL राहुल आउट हुए तो उस समय भारतीय टीम का स्कोर 2 रन पर था। तो वहीं फिर बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली, जिन्होंने आज भारतीय टीम में से रोहित शर्मा को बाहर करने का फैसला किया था और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विराट कोहली 5 गेंदों में 0 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे, जिसके चलते यहां पर आदिल रशीद ने क्रिस जॉर्डन के हाथों का कैच थंबाया और यहां पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। तो वहीं दोस्तों के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके चलते अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, जहां पर हार्दिक पांड्या और सुरेश अय्यर के बीच में थोड़ी सी पार्टनरशिप तो हुई। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।